आज हम सीखेंगे मैथ्स वन, जिसमें आता है चैप्टर नंबर वन मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक में हम पूरे एक्सरसाइज सीखेंगे डिटेल में धीरे धीरे, बट आज हम एक्सरसाइज 1.1 सीखेंगे पूरा डिटेल में, ये होता क्या है। बट बिफोर दैट, उसमें जाने से पहले हम मैथमेटिकल लॉजिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली में, लॉजिक वर्ड आया कहाँ से, होता कहाँ से है, आया कहाँ से, ये डेवलप कहाँ से हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। तो यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक, लॉजिक वर्ड ही डिनोट करता है कि इसमें हमको प्रॉपर रीजनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। हमारी प्रॉपर रीजनिंग अच्छी रहेगी तो हम लॉजिक को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट आता है, तो उसमें क्या बोला है, प्रॉपर रीजनिंग इन्वॉल्व्स लॉजिक। तो आपकी प्रॉपर रीजनिंग अच्छी है तो आप लॉजिक को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। लॉजिक ये जो डेवलप हुआ था, मतलब 100 साल पहले ही डेवलप कर दिया था, बट इसको जो डेवलप किया था उन साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज बुले, ठीक है। और जनरली आप लोग जानते होंगे कि साइंटिस्ट के नाम के बिहाफ पे ही वो चैप्टर का नाम या इक्वेशन का नाम रख दिया जाता है। तो ये चैप्टर का नाम रख दिया गया था पहले बुलियन लॉजिक, धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैथमेटिकल लॉजिक में, ठीक है। और ये जो लॉजिक वर्ड है, ये लॉजिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिस जो ग्रीक वर्ड का नाम है लॉगस, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में, ठीक है। वो सिस्टमेटिक फॉर्म में जो आज हम लोग पढ़ते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया, बट वो साइंटिस्ट का क्या नाम था, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ लॉजिक इन फाउंडेशन ऑफ स्टडी ऑफ लॉजिक इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म, ठीक है। उसको थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि थोड़ा ईजी हो जाए समझने के लिए हमको। और जो लॉजिक है वो क्या है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग और सिस्टमेटिक स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका वो थोड़ा डेवलप करता है, एंड डेवलप द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 में किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास और वो किससे डील करता है, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 में मोस्टली स्टेटमेंट और सेंटेंस ही है, तो आपको स्टेटमेंट और सेंटेंस से ही डील करना है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा आता है पहला तो स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट होता क्या, तो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होगा, दोनों ना ट्रू होगा फॉल्स होगा, या तो कोई एक होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों साथ में नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों ये साथ में नहीं होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और वो जनरली डिनोट किससे होता है, अगर ट्रू है, ठीक है, ट्रू है तो किससे डिनोट हो जाएगा, वो टी से, ठीक है। और फॉल्स है तो एफ से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हमारा ट्रूथ वैल्यू, जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं आगे, हम सीखेंगे और डिटेल में ट्रूथ वैल्यू होता क्या। तो अगर ट्रू है तो टी से, फॉल्स है तो एफ से, ठीक है। और स्टेटमेंट जो और डिनोट होता है, मतलब जो जिसके लिए लेटर हम यूज करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे एक्सरसाइज में 1.2 में। बट जो जनरली हम डिनोट करते हैं, स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय लेटर्स लाइक पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। ये जो लेटर्स है इससे हम जनरली अपने स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं, बट हम देखेंगे होता क्या है आगे एक्सरसाइज में। तो और आता है स्टेटमेंट के बाद आता है हमारा, स्टेटमेंट के बाद आता है हमारा सेंटेंस, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस कितने टाइप्स के हैं दोस्तों, 4 टाइप्स के टोटल। पहला आता है हमारा ओपन, ओपन सेंटेंस, ठीक है। ओपन सेंटेंस में क्या होता है, दिस सेंटेंस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन विच इज नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस, ठीक है। उसका मीनिंग क्या हो गया कि मतलब ये कुछ कंडीशन के साथ वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको वो कंडीशन के साथ वेरी करेगा बट वो उसमें दिया नहीं गया है। तो सपोज अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ही इज एन एक्टर, ठीक है। तो ही कौन है, यहाँ पे बोल दिया वो एक्टर है, बट कौन है यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वो कंडीशन के साथ वेरी तो हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, बट ये स्टेटमेंट, ये इसमें सेंटेंस में ये मेंशन नहीं किया गया, विच इज नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओपन सेंटेंस, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, ओपन सेंटेंस। सिंपल है, कुछ
आप सिंपल में सोच सकते हो, ये यहाँ पे कुछ तो भी आपको अननोन चीजें दी रहेंगी, तो अननोन चीजें दिखा, कोई सेंटेंस से वेरी नहीं हो गया, वो हो नहीं रहा है, तो ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये ओपन में आ गया। सेकंड आता है बी नंबर, बी में क्या आता है हमारा इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड, तो यहाँ पे कुछ तो भी रिक्वेस्ट करेंगे या ऑर्डर करेंगे या कमांड करेंगे, सपोज प्लीज प्लीज, एग्जांपल प्लीज ग्रांट मी अलोन, ठीक है। अभी यहाँ पे सामने वाला क्या बोल रहा है, प्लीज ग्रांट मी अलोन, ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको लोन दे दो, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्टली, ये क्या हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। सी नंबर में आता है हमारा इंट्रोगेटिव, ग्रामर पढ़े होंगे तो ये इजली आपको समझ जाएगा, ग्रामर अगर थोड़ा भी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या आता है, ये क्वेश्चन मार्क, डायरेक्टली आपको कोई सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क दिखा तो डायरेक्टली आप लिख दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फोर्थ क्या आता है, डी नंबर हमारा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। डी एक्सक्लेमेटरी क्या हो गया, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन दिखा, डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये एक्सक्लेमेटरी होगा। तो हमारा दोस्तों ये एक्सरसाइज 1.1 है, ये दोनों के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें आता है हमारा पहला नंबर स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको बताया जैसे कि ये है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहेगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करनी है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है तो डिनोट करेंगे टी से, फॉल्स है तो डिनोट करेंगे एफ से, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है वो जो पूरे स्टेटमेंट है वो जनरली किससे रिप्रेजेंट होते हैं, पी क्यू आर एस टी भी जाता है, आप ले सकते हो। उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो सेंटेंस कौन सा आ जाएगा, अगर वो ट्रू ट्रू फॉल्स नहीं है तो हमको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें कौन सा आता है पहला ओपन। ओपन में क्या होता है, यहाँ पे सम कंडीशन दिया रहेगा बट वो स्टेटेड नहीं, मेंशन नहीं किया रहेगा वो सेंटेंस में, तो वहाँ पे कुछ तो भी अननोन रहेगा, आप ऐसा समझ सकते हो। सेकेंड आ गया आपका इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में क्या आ गया, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड, ये कुछ भी आपको तीनों में से एक चीज ऐसा कुछ दिखा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये इंपेरेटिव है। थर्ड और फोर्थ तो इजी है, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क का साइन दिखा आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फोर्थ आ गया एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में आपको एक्सक्लेमेशन का साइन दिखा आप डायरेक्टली बोल देते हो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 में, डायरेक्टली सॉल्व करते पूरा क्वेश्चन 1 by 1 एज पर हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ठीक है। तो एक्सरसाइज आते हैं बच्चों हमारे एक्सरसाइज 1.1 में, देखते हैं 1.1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है, अ ट्राइंगल हैज एन साइड, ठीक है। अभी एक ट्राइंगल दे दिए गए, वो क्वेश्चन नंबर वन में लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, ये अ ट्राइंगल हैज एन साइड्स, ठीक है। बट अब अगर सोचोगे एक ट्राइंगल दिया गया आपको, उसके एन साइड है क्या बच्चों, एन मतलब नंबर ऑफ, नंबर नहीं हमारे पास तीन ही नंबर है भाई, ठीक है, फिक्स है तीन, तो ये स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट है बट ये फॉल्स है, तो इसको हम लिखेंगे क्या आंसर में हमारे, दी अबाव स्टेटमेंट इज फॉल्स, hence its truth value is f, समझ गए। सेम में आपको आगे के जो क्वेश्चन है ऐसे ही लिखना है, ये मैंने एक आपको समझाया है, आपको खाली मैं डिटेल में बताऊंगा, बाकी आपको लिखना है ऐसे ही स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो सेंटेंस हमको आइडेंटिफाई करना है वो कौन से सेंटेंस है, स्टेटमेंट है तो ट्रू और फॉल्स लिखना है, तो सेम में मैंने लिखा दी अबाव स्टेटमेंट इज फॉल्स हेंस इज ट्रूथ वैल्यू इज एफ, ठीक है। ट्रू होता तो ट्रू लिखते हैं और इधर एफ की जगह पे हम टी लिखते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये तो ओके है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, 60 60 60, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, दी अबाव स्टेटमेंट इज ट्रू हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज टी, तो ये ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया और ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी टी। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है आपको, यू आर अमेजिंग, अमेजिंग में आपने कुछ साइन दिखा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का,
डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो हमको इसको डायरेक्टली क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे यू आर अमेजिंग, ठीक है, एक्सक्लेमेशन का साइन दे दिया ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज एन एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे आंसर लिख बोर्ड में, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये क्या हो जाएगा, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, समझ गए, सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं है ना बच्चों। ठीक है, सेम वे में आगे के क्वेश्चन जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या बोलता है, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। अभी ये क्या हो जाएगा, सेम में ये प्लीज, तब यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा था, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली ये इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। पहले तो हम देखते हैं रैशनल और इरेशनल में होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ -4 ये इरेशनल है कि रैशनल है। ठीक है, स्टेटमेंट है बट आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो अभी ये हमको मालूम है, हम लोग 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होता है हमारा टू पार्ट्स में। ठीक है, किसमें किसमें, रियल और इमेजिनरी में। ठीक है, रियल क्या होता है, ए प्लस आई बी, वेयर ए क्या होता है हमारा रियल नंबर और बी क्या होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। सेम वे में हमारा वैसा रियल नंबर भी डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, वो आता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी रैशनल नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो रेशियो ऑफ टू इंटीजर। ठीक है, सिंपल वे में। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट भी होते हैं, मतलब एक टाइम पे आके ये फिक्स हो जाएंगे, इनकी वैल्यू इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होता है उसको कभी भी रेशियो ऑफ टू इंटीजर होगा नहीं, और पहले जो इरेशनल नंबर होता है वो कभी भी रेशियो ऑफ टू इंटीजर होगा नहीं। सेकंड पॉइंट है वो नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग क्या है वो भी देखते हैं हम लोग, नॉन रिपीटिंग एज वेल एज प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या होगा, सपोज अभी आपके पास पाई की वैल्यू है 3.14 टू एस, ऐसा डैश 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 ये जाता है, ये रिपीट भी नहीं होता टर्मिनेट भी नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे ये इरेशनल नंबर, इसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ये खत्म भी नहीं हो रहा है और नंबर्स इसके रिपीटेड चेंज हो रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। अभी आप लोग समझ गए होंगे मेरे से, तो सेम वे में ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या है बच्चों, बट रैशनल और इरेशनल में हम लोग समझ गए, बट ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 को थोड़ा सा हम और डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 × √4 × √-1। -1 √-1 क्या होता है, आई इंटू √4 2, तो ये क्या हो जाएगा 2i, ये क्या होता है इमेजिनरी नंबर, तो ये क्या हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज f। समझ गए, अपने सिक्स क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² - 6x + 8। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या बोल रहा है, सिक्स वाला क्वेश्चन, x² - 6x + 8 = 0। ठीक है दोस्तों, वेयर इंप्लाइज x = -4, x = -2, x = -4 एंड x = -2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 4x - 2x + 8 = 0। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया है, क्या हो गया x - 4, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो ये x - 4 = 0। हमारे पास क्या आ गया, x - 4 डबल डबल है और x - 2 = 0, तो x - 4 = 0 और
एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू फोर आया और एक्स इक्वल्स टू टू आया, बट यहाँ पे हमको क्या दिया, माइनस फोर और माइनस टू, तो स्टेटमेंट क्या हो गया ये फॉल्स, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द ट्रूथ वैल्यू इज एफ। अब लोग समझ गए होंगे, आते हैं हमारे सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर। अभी आते हैं बच्चों हम लोग अपने सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर। सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ही इज एन एक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पे ही इज एन एक्टर, ही इज एन एक्टर, ठीक है। यहाँ पे दे तो दिया है कि एक्टर है, बट यहाँ पे वो सेंटेंस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ही कौन है ये अननोन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए कि दिस इज एन अननोन है, तो क्या है, दिस इज एन ओपन सेंटेंस, ठीक है। हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, समझ गया ना, यहाँ पे अननोन दिया तो ये ओपन स्टेटमेंट हो गया, सेंटेंस हो गया, सॉरी, तो हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। सेम वे में आते हैं हमारे एट क्वेश्चन के ऊपर। एट क्वेश्चन क्या बोलता है, हैव अ कप ऑफ, सॉरी, एट क्वेश्चन क्या, डिड यू ईट लंच, ये सेम वे में क्वेश्चन मार्क दिखा तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, समझ में आ गया, ये हो गया जगह हमारा इंट्रोगेटिव। एट्थ हो गया, अभी नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ में कह दिया हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, यहाँ पे क्या कर रहा है, हैव अ कप ऑफ, कुछ तो है ना यहाँ पे, रिक्वेस्ट है, कमांड है, ऑर्डर है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्परेटिव, तो इम्परेटिव में आएगा। टेंथ वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, अगर हम लोग देखेंगे तो ये जनरली एक फॉर्मूला ही है ना, ए प्लस बी टेंथ ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली, इसको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम में इसको एक्स कर दिया और वाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसको कैसा लिखेंगे, स्टेटमेंट है बट इसको लिखना कैसा है, ये एक फॉर्मूला है ना, तो दिस और दिस इज मैथमेटिकल आइडेंटिटी विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, समझ रहे हो ना। अभी या तो हम लोग लिख सकते दी अबाव मैथमेटिकल आइडेंटिटी इज ट्रू हिंस द ट्रूथ वैल्यू इज टी, जो फॉर्म में आपको सिंपल लगे, ईजी लगे। आते हैं हमारे इलेवन क्वेश्चन के ऊपर। इलेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग ने अभी देखा था इलेवन क्वेश्चन में, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिवाइड होता है हमारे रियल और प्लस इमेजिनरी में, तो वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बच्चों एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज टी। वन इज अ प्राइम नंबर, वन क्या है बच्चों, वन हमारा आ गया ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, ठीक है, ट्वेल्थ में लिखा है, लिखा है इन्होंने वन इज अ प्राइम नंबर। मैं आपको जनरली एक ही बात बताऊंगा प्राइम नंबर के बारे में, कि प्राइम नंबर आपको इजीली आइडेंटिफाई करना है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे टू बोला तो टू के दो फैक्टर होंगे जो उसी से ही डिवाइड होगा, या तो वन से या तो टू से, दो ही फैक्टर होंगे उसके, दो को फैक्टर। अभी थ्री हो गया, थ्री का वन और थ्री है, फाइव का वन वन और फाइव है, सेवन का भी वन और सेवन है, सेम वे में वन का एक ही फैक्टर है दैट इज वन, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है, समझ रहे हो, तो ये नॉन प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, दी स्टेटमेंट, दी अबाव स्टेटमेंट इज फॉल्स हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज एफ, समझ रहे, विद द सनसेट डे एंड, हाँ ये तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, सनसेट के साथ डे एंड होता है, वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या बोला, फोर्टीन्थ, ठीक है, फोर्टीन्थ में क्या बोला है, वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू जीरो। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे पास एक फॉर्मूला था, परमुटेशन फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इसको प्रूफ करके देखते हैं, वैसे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, वन का फैक्टोरियल वन आता है, ठीक है, जनरली, बट यहाँ पे क्या दिया है, वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू जीरो, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे
पहले तो हम निकाल लेते हैं जीरो के फैक्टोरियल, वो क्यों निकाल रहा हूँ मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये फॉर्मूले को थोड़ा इधर लेके जाते हैं, इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, एन माइनस वन का फैक्टीरियल इक्वल्स टू एन फैक्टीरियल अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट एन इक्वल्स टू वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू वन फैक्टीरियल अपॉन वन। वन माइनस वन ये क्या हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल। वन का फैक्टोरियल दोस्तों वन होता है, वन अपॉन वन इक्वल्स टू वन, तो इनडायरेक्टली जीरो का फैक्टोरियल क्या हो गया, वन। ठीक है, वो मैं क्यों बता अभी यहाँ पे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे वन सब्सटीट्यूट करिए आप, वन इंटू वन माइनस वन का फैक्टीरियल। ठीक है, वन इंटू सब्सटीट्यूट यहाँ पे एन इक्वल्स टू वन, तो वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू आ जाएगा आपका वन इंटू वन माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो का फैक्टोरियल। जीरो का फैक्टोरियल आपने इधर देखा वन है, तो वन इंटू वन इक्वल टू वन, तो हम लोगों को क्या मिल गया, वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन। समझ में आया, तो वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ सेम में थ्री प्लस फाइव इक्वल्स टू एट, एट इज ग्रेटर देन, ये तो डायरेक्टली बोल रहा है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर, अभी हम लोग ने देखा पाई की वैल्यू नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है, तो ये ट्रू हो जाएगा। बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, और ये फॉर्मूला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ बिलोंग्स टू रियल नंबर भी लिखा है, अच्छी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नंबर टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, हाँ भाई ये टू इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि टू नंबर हमारा इवन में भी आता है और प्राइम नंबर में भी आता है। ठीक है, इवन में भी हमारा टू नंबर जो है, टू नंबर हमारा किस में आता है दोस्तों, ये इवन नंबर में भी आता है और ये प्राइम नंबर में भी आता है, तो ये एक एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम दोनों है, तो सेम में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ में आ रहा है, ट्रूथ वैल्यू इसकी टी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्या दिया, टू को प्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्ट। समझते हैं पहले टू को प्लेनर, को प्लेनर मतलब हमारे पास एक प्लेन दे दी गया है, यहाँ पे दो लाइन्स हैं। ठीक है, ये लाइन्स इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और पैरेलल भी हो सकते हैं प्लेन के अंदर, सॉरी ये लाइन में क्या होगा, प्लेन में पैरेलल भी है, हाँ इसको हम थोड़ा आगे ऐसा क्रॉस में बनाएंगे तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट भी हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, पैरेलल भी है इंटरसेक्टिंग भी है, तो टू को प्लेनर लाइन्स आर इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, तो ट्रूथ वैल्यू ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, पैरेलल भी है ना, इंटरसेक्ट भी कर रहे, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, टी। आगे आते हैं क्वेश्चन 19, तो उसमें क्या लिखा है, 21, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेवन गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफर इज सेवन फैक्टोरियल। हाँ, सात गर्ल्स को अरेंज करना है एक रो में, तो हम लोग ने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, अरेंजमेंट करना है तो क्या आएगा आपका, सात सेवन जन को, सपोज ये सेवन प्लेस दिया है, ठीक है, बट वहाँ पे हमको एक को एट ए टाइम पे एक एक, जैसे सेवन को हम सात बार में इधर हो, जैसे नंबर नंबर वन, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हमारे पास सात सेवन प्लेस है, ठीक है, सात गर्ल्स हैं, तो एक सेवेंथ गर्ल को सपोज मैं इधर रख सकता हूँ, इधर 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 किधर भी रख सकता हूँ ना, तो मेरे पास कितना हो गया, सात जगह है, तो ये सात हो गया। सेम वे में बची सेवन माइनस वन, तो कितना बच गया मेरे पास, सिक्स गर्ल्स, तो सेम वे में मैं छः को ये छः जगह पे कहीं पे भी अरेंज कर देता हूँ, तो सेम वे में वो कितना जगह हो जाएगा कि उसके पास छः जगह है, ऐसा सेम में फाइव का आ जाएगा, फोर का आ जाएगा, थ्री का आ जाएगा, टू का आ जाएगा, वन का आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सेवन फैक्टीरियल। समझ रहे हो, तो सेम, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरे लिए, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर किधर, तो उसमें क्या दिया, गिव मी अ कंपास, फिर ऑर्डर रिक्वेस्ट है समथिंग, कुछ कमांड है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इम्परेटिव, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस, ये स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ब्रिंग द मोटर कार, सेम वे में, तो ये भी इम्परेटिव हो गया। इट मे रेन टूडे, कौन रेन कुछ पता नहीं है, कंडीशन के हिसाब से वेरी नहीं कर रहे, ठीक है, वहाँ पे स्टेट कुछ मेंशन नहीं किया है, कौन है ये, अननोन है कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन ओपन सेंटेंस। आते हैं लास्ट क्वेश्चन के नंबर 24, वहाँ पे क्या दिया, इफ ए प्लस बी इज लेस देन सेवन, ठीक है, कभी भी बच्चों याद रखना, आपको इफ वाला पार्ट दिया है मतलब वो गिवन है, तो गिवन क्या दे दिया मुझे, ए प्लस बी इज लेस देन
सेवन, ठीक है। उसके आगे क्या दिया है, वेयर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो एंड सेम में बी इज और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। देन वाला पार्ट हमेशा प्रूफ करना है, देन ए इज लेस देन सेवन और बी, देन मतलब टू प्रूफ, मतलब ये आना चाहिए हमको, बी इज लेस देन सेवन एंड ए इज लेस देन सेवन, बी इज ऑल्सो लेस देन सेवन, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बोली है, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है और इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट ए इक्वल्स टू जीरो कर दो डायरेक्टली, तो बी इज लेस देन सेवन, आई थिंक ये आइडेंटिफाई हो जा रहा है यहाँ से, ठीक है। सेम वे में कुछ और भी वैल्यू डालो आप बी की, फोर टू डालो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बी की वैल्यू टू डालते हैं, ठीक है, टू प्लस ए इज सेवन, ए इज लेस देन सेवन माइनस टू, ए इज लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों, फाइव। तो ये भी सेटिस्फाई करा ना, सेवन से कम है तो ये इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ये ट्रू। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, टी, समझ गए आप। कैन यू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग, उसमें क्या दिया, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे सीधा आपको क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिख गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेंटेंस और स्टेटमेंट क्या है। आगे का एक्सरसाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।